तो गाइस ये है ट्री पेंटिंग वीडियोस का थर्ड पार्ट, और इसमें ये वाला जो पेड़ है वो बनाएंगे। बंगाली में इसको कुछ गाज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला लैंडस्केप में बहुत ही जगह काम आता है, बहुत जगह दिखते हैं, खास करके जहाँ ये पानी वाला पोर्शन होता है उसके आसपास तो दिखता ही है। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो इसका एक ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो गाइस इन पेड़ों का ट्यूटोरियल बनाएंगे, और मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बोलो। इसको बंगाली में कुछ गाज बोलते हैं, और अच्छा है, बहुत पेड़ हार्ट शेप टाइप का पत्ता है, मेरे बहुत पेंटिंग्स में आपने देखा होगा ये पत्ते। चलो देखते हैं कैसे बनाया जाता है इनको। तो गाइस सबसे पहले ड्राइंग को कर लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं इन पत्तों का ड्राइंग बना रहा हूँ, हार्ट शेप जैसे पत्ते, जस्ट देखना है आपको, ऑब्जर्व करना है और अपने हिसाब से बनाना है ताकि वो उन पत्तों की तरह लगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने इन पत्तों का ड्राइंग कर लिया है, और बहुत ही इजी तरीके से किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो गाइस अभी कलरिंग करेंगे, तो अब देखो मैं कैसे कलर करता हूँ। तो ये क्रोम ग्रीन लाइट है, बहुत ही सुंदर है ग्रीन का टोन, उसके साथ मैं थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन मिला रहा हूँ, और पत्तों में जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। अभी थोड़ा येलो का टोन भी दे रहा हूँ कहीं कहीं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पत्तों में एक जैसा कलर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा टोनल वेरिएशन तो रहता ही है, तो थोड़ा डार्क्स भी दे रहा हूँ साथ साथ। तो इस तरफ भी मैं थोड़ा कलर दे रहा हूँ, इस तरफ के पत्ते भी बनाएंगे बहुत ही लाइटली, क्योंकि वो पानी के उस पार है। तो यहाँ पे मैं अभी इन पत्तों के ऊपर जो लाइन्स है, जो पत्तों का जो वेंस है, उसे मैं बना रहा हूँ, वेट इन वेट ही बना रहा हूँ ताकि ये थोड़ा स्प्रेड हो जाए और देखने में अच्छा लगे। अभी इस तरफ के पानी में ये जो रॉ अम्बर कलर है उससे रिफ्लेक्शंस बना रहा हूँ उन तरफ के पत्तों का। तो ये पानी थोड़ा नाले का पानी है, मडी टाइप का एक वाटर है, तो थोड़ा मडी रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ रॉ अम्बर से, और साथ ही साथ थोड़ा वेट इन वेट डार्क्स भी दे रहा हूँ उस तरफ के पत्तों में। तो गाइस अभी मैं इन सामने के पत्तों में डार्क्स दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने पत्ते बनाए थे उसके अंदर के जो गैप्स है वहाँ पे मैं थोड़ा अल्टरमरीन ब्लू और थोड़ा ऑलिव ग्रीन मिला के और थोड़ा सा ब्राउन मिला के मैंने डार्क्स बनाया है। तो पत्तों के बीच बीच में जो गैप्स है वहाँ पर मैं डार्क्स दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे पत्ते और निखर के आएंगे। तो ऐसे करके आप पत्तों को बाहर की तरफ दिखा सकते हैं कि अंदर डार्क है, और जो हमने बहुत ही सिंपली पत्तों में कलर अप्लाई किया था उसी से डार्क से हम उसके एजेस निकाल लेंगे, तो दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं ऐसे ही करता हूँ गाइस, तो मेरा तो ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है बनाने में। तो आप भी बताना कॉमेंट में कि ये टेक्निक आपको कैसा लगा, डार्क्स दे के लाइट को बाहर निकालने का टेक्निक। तो देखिए अभी से कितना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बहुत पत्तों जैसा निकाल देंगे, थोड़े बहुत जंगली पत्ते, और अभी इन पत्तों में जो वेंस है उसके लिए भी लाइंस में बना रहा हूँ।
और गाइस आपको इस सीरीज़ के वीडियो में और कौन सा ट्री या फिर कोई ऑब्जेक्ट का ट्यूटोरियल चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे है ऑलरेडी कोकोनट ट्री का ट्यूटोरियल वीडियो और पाम ट्री का ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो इधर अभी मैं थोड़ा बहुत टचअप्स दे रहा हूँ। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है हमारा ये जो पत्ता है, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता इसको, तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो बोल सकते हैं हमारा पेंटिंग कंप्लीट है। देखो बहुत ही सुंदर सुंदर हवा चल रहा था गाइस, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गर्मी के मौसम में ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के पेंटिंग करने में। बाकी आपको और किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा उनके ऊपर वीडियो बनाने की। तो गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ ऐसे इजी तरह से आप ये बना सकते ये पेड़ पौधे, और ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा वो तो आपको कमेंट में बताना ही पड़ेगा। बाकी और भी ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे है कोकोनट ट्री का और पाम ट्री का, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको और कौन से आउटडोर के एलिमेंट्स का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा उसके वीडियोज़ बनाने की। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।